नमस्कार, मैं निकिता कश्यप। स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। नसरुल्लागंज लाडकुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले कक्ष क्रमांक 428 में हो रहा अतिक्रमण। लाडकुई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंहपुर में 100 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सिंहपुर निवासी ग्रामीण के द्वारा वन भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर अतिक्रमण किया गया, लेकिन वन विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लगी। ग्रामीणों का कहना है कि लाडकुई वन परिक्षेत्र का जंगल जहाँ एक और सागौन से भरा हुआ होता था, वहीं आज अतिक्रमण की चपेट में आने से जंगल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से यहां पर यह अतिक्रमण हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि वन विभाग के नाके से 100 किलोमीटर की दूरी पर रात्रि में ट्रैक्टर चलाया जाता है, लेकिन वन रक्षक को या अधिकारियों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिलती। अतिक्रमणकारी रात के अंधेरे में अपना काम करके चला जाता है और विभाग नींद में सोया रहता है। ग्राम सिंहपुर निवासी शरीफ उल्ला खान और अरमान खान का कहना है कि लाडकुई वन परिक्षेत्र में नहीं, संपूर्ण वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो सामूहिक रूप से वन भूमि पर हम लोग अतिक्रमण करेंगे, क्योंकि यह भूमि कब्रिस्तान के लिए एवं शमशान के लिए है। हम लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मामला विचारणीय है। हालांकि इस जमीन का सीमांकन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीण के द्वारा इस भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। नसरुल्लागंज से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। इसको मैं स्वयं जाके हटा के आया हूँ और कल परसों रात में शायद उसने ये वापस प्रयास किया है उसको, तो उसको विफल कर दिया गया है और उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है।